शाम का टाइम हो चुका है जी और उडुपी में डिनर बनना शुरू हो चुका है। ये है एक खूबसूरत टिपिकल उडुपी किचन, क्योंकि ये है एक रेस्टोरेंट जो 1969 में शुरू हुआ था। बड़े ऑस्पिशियस साल है, बड़े सुंदर साल है। उस साल में बड़ी महान महान चीजें हुई थी, जैसे कि मेरा जन्म, और अब आप जानते हैं मैं कितना जवान हूँ। क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोले तो नहीं कही, झूठ बोले 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। 1959 रॉकी सिंह सिरका 1959 नहीं, एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ, तो हमें थिमप्पा होटल जो है आदि उडुपी में, और अगर आपको और लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए तो करावड़ी जंक्शन के बहुत पास है ये। जी हाँ, और ये कई सालों से, यानी कि 51 ईयर से ज्यादा, 52 भी हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में पैदा हुआ था साल के, तो मैं शायद इससे जवान हूँ। तो तब शुरू से होके यहाँ पर इसने अपनी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन बना ली है, और यहाँ के लोकल जो है इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ा टिपिकल ईटरी, यहाँ पर खाने के लिए आपको मिल जाएंगे मीट आइटम्स। जो फेमस आइटम्स यहाँ पर हैं वो है इनके मसाला आइटम्स, यानी कि तवा फ्राई, मसाला फ्राई, रवा फ्राई, फिश, नॉन वेजिटेरियन, आलू गोभी परांठे, सब्जी। नहीं, खाना तो आपको यही किया, लोकल फूड मिलेगा, क्योंकि वो देखो बड़ा छोटा सा हिंट है, वहाँ पे लिखा है होटल थिमप्पा फिश मील्स। तो फिश मील्स आपको मिल जाएंगे, जो आपने देखा अभी वो है ओरिजिनल, जो बिल्डिंग थी, जो छोटा सा किचन आपने देखा, वेल किचन काफी बड़ा है, छोटा सा रेस्टोरेंट देखा, और ये है नया विंग। तो हम जा रहे हैं नए विंग में, क्योंकि हम नए और मॉडर्न लोग हैं, अभी तो पैदा हुए हैं हम। क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो पैदा हुए हैं सर, पहले आप बुजुर्ग आगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, रॉकी भैया मच्छी खाए, और मयूर बगल में बैठ के आंसू रुलाए। अच्छा, वैसे मैं आंसू नहीं रुला रहा, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है खाने के लिए, बस गाने का मूड कर रहा था शाम को, इसलिए मैंने आपको जो है थोड़ा गाना सुना दिया, क्योंकि रॉकी ऑलवेज बोलता है यार मैं जब खा रहा होता ना थोड़ा बातें कर लिया अगर लोगों के साथ, ताकि मैं जल्दी से खाना खा सकूँ, तो मैंने बातें कर ली, आपने थोड़ा खाना खा लिया, अब आप बातें करिए। बातें करने को रह ही क्या है जनाब, सुंदर शाम है, सामने कुछ रूखी सूखी चीज़ें पड़ी है खाने को, लेकिन ये देखिए इसे कहा जाता है यहाँ पे बॉइल्ड राइस। तो ये है यहाँ का लोकल राइस, पफी ग्रेन राइस, गोवा से लेके केरला तक और आगे और पीछे भी आपको मिल जाएगा ये। और ये है वाइट राइस, यानी कि सफ़ेद चावल, तो इसके पतले दाने और इसके मोटे दाने, और मिलके ये बनाते हैं बहुत ही एक अच्छा टेस्ट। वाह, तो देखिए हूँ तो मैं वेजिटेरियन, पर मैं समझता हूँ, बहुत स्टडी मैंने की है, कि जो फिश है वो आपकी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, अगर आप जो है मीट या एनिमल प्रोटीन खाना चाहते हैं, क्योंकि फिश में बहुत ऊंचा प्रोटीन लेवल है, विटामिन डी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बिल्कुल फिश नहीं खाता। आप जरा नहीं, मेरा मतलब इसलिए मैं कहने का मतलब ये था कि रॉकी बहुत फिश खाता है, पर पता नहीं उस पर काम नहीं कर रहा। आप पहले इसकी प्लेट देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो रोते हैं आप लोगों की सिंपति गेन करने के लिए, ऐसे होते हैं लोग, मैंने बताया आपको 7 चीज़ें डाली हैं प्लेट पे, फिर भी रो रहा है। देखिए मैं कितना खुश हूँ हार्डली कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तवा फ्राई और बेसिकली तवे आइटम्स यहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं, तो मेरे पास जो है ब्यूटीफुल चीज़ें वो है ये प्रॉन घी रोस्ट, एकदम शानदार घी और मिर्ची से बना हुआ, वही बड़ी प्यारी रेसिपी। ये है काने या लेडी फिश रवा फ्राई, ये है किंग फिश तवा फ्राई, किंग फिश घी रोस्ट, डिस्को फिश घी रोस्ट, पॉम्फ्रेट तवा फ्राई, और ये प्रॉन चिली, और ये है प्रॉन, और ये है चिली, यानी कि प्रॉन एंड चिली। और अगर इसको ऐसे पकड़ो और हिलाओ तो क्या होगा, शेक चिली। तो देखिए 3 या 4 बार अब हम अपनी प्लेट पे, अपने टेबल पे मिल चुके हैं डिस्को फिश, और हमने इसके बारे में बहुत सारी जोक्स भी किए हैं, लेकिन मैं सच्ची में जानना चाह रहा हूँ कि डिस्को फिश होती क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज हमारे को बताइए कि डिस्को फिश का नाम डिस्को फिश क्यों रखा गया। किस द डांसर अ रोमांसर, मैंने प्रॉन और चिली खाए, थोड़ी सी पीके देखना, छास बिल्कुल एक ठंड सी मिलती है, बॉडी ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, छास बहुत अच्छी जगह, मिर्ची लग रही हो तो आप थोड़ी सी छास पियो। और फिर आपको पता लगा छास में भी मिर्ची है, मेरे को पता था जब ऐसी शक्लें बना रहा है ना तो बिल्कुल पकी होगी, बट नाइस चीज़ ये है कि इसमें जो है जो छास है हरी मिर्च है, और साथ साथ आपको खूब सारा नमक भी मिलता है, क्योंकि देखिए अगेन तमिलनाडु का जो एरिया है और कर्नाटका का जो एरिया है बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे आप बहुत स्वेट करते हो, तो आपके जो बॉडी को वापस सॉल्ट चाहिए होता है, तो हर मील के साथ आपको सॉल्ट तो मिल ही जाएगा।
क्या फ्लेवर है सर? प्रॉन घी रोस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल। प्रॉन चिली फ्राई बहुत ही बढ़िया। और जो डिस्को फिश है, ये एक बहुत ही खास मच्छी है, ये हमें और कहीं नहीं मिल रही। और हालांकि घी रोस्ट है वो चिकन से शुरू हुआ था, लेकिन सी फूड के अंदर उसका टेस्ट एकदम निखर सा जाता है, बड़ा मजा सा जाता है खा के उसका। हाउ इज योर फूड? देखो अच्छा लग रहा है कुछ के नहीं, ये बता। तो मैंने जो मंगाया था वो है एक मशरूम डिश, एक पनीर घी रोस्ट, और साइड में आपको एक साइड वेजिटेबल मिलता है, दो टाइप के राइस, रॉकी आपके बारे में बता चुका है, और उसके ऊपर दाल, वो मसूर की दाल है, उसमें खूब सारा टमाटर एंड स्पाइसेस का तड़का है, उसके साथ दही। ऑल इन ऑल थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज अगर आप मेरी तरह हैं मिर्ची से सेंसिटिव, तो आपका पसीना ऐसे ही शुरू हो जाएगा। हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटका में जो है, जो कर्नाटका का जो फिशिंग जो अपना है, क्या बोलते हैं, कोस्ट काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोस्टल फिशिंग विलेजेस हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, स्पेशली ऐसी जगह मैंगलोर रुडिकवर इस एरिया में जहाँ पे बिल्कुल सारे हार्बर्स हैं, तो आपको ये गारंटी तो है कि आपको सी फूड बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। जी हाँ, और अगर आप बॉयल्ड राइस खाएंगे, यानी कि ये वाले शानदार चावल जो बिल्कुल एकदम मोटे हैं, तो इनका जो मोटापा है मेरे ख्याल हवा से आता है। जैसे कि मैं दरअसल मैं पतला हूँ, थोड़ी सी हवा भर जाती है तो मोटा लगता हूँ, वैसे ही आपका पेट 10 मिनट में खाली हो जाएगा खाने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, डबल खाइएगा ताकि इत्मीनान से पेट भरा रहे सारी रात। तो खाना बहुत शानदार है जी। यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ का जो खाना है वो टूरिस्ट को ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग हैं टूरिस्ट, तो हमें तो बड़ा पसंद आया। तो हम बड़ा हाईली रिकमेंड करते हैं आपको कि जब आप उडुपी आएँ तो थिमप्पा पे ज़रूर आएँ और ये सब चीज़ें ट्राई करें। और ज़रा पास आइए, जाते जाते मैं आपको अपनी घी रोस्ट किंग फिश फ्राई से मिलवा देता हूँ। ये देखिए, घी रोस्ट मिर्ची ऑन टॉप, ओहो, और इसके नीचे थोड़ी सी फिश जिसके अंदर इतना सारा फ्लेवर है, मैं क्या बताऊँ। ओह गिर गया, ओ नो, ओ मिल गया मिल गया। और आपको ये फ्राई फ्राई वर्ड बारी बारी सुन के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ फ्राइड चीज़ें अच्छी हैं। जो फिश करी है बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये आपको मिल जाएगी 12 से 4 या 7 से 10 शाम को, क्योंकि ये इनके मील के टाइमिंग्स। शटर कभी बंद नहीं होते, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर 4 और 7 के बीच में आएंगे तो खाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं आपको 6 चीज़ें कहना चाहता हूँ, रेडी हो? रेडी। अंजल, पॉम्फ्रे, काणी, नंग, बंगुड़ा, डिस्को, मुरु, सिल्वर, कलनू, पहिया, प्रॉन्स, स्क्विड, क्रैब, चिकन, बटर मिल्क। भाई साहब शक्ल से तो आप अच्छे खानदान के लगते हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?